हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का अब तक पोर्टल के माध्यम से 2,720 गांव के 34,064 किसानों ने 1,57,557 एकड़ भूमि का खराबा के बारे में अवगत कराया है। हालांकि उन्होंने कहा कि 11 जिलों में वर्तमान में बारिश से रबी की फसलों में नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी करवाकर आकलन किया जा रहा है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि साल 2022 में ओलावृष्टि से फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 151.42 करोड़ रुपए और 2021 में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 614.63 करोड़ रुपए और 2020 में खरीफ फसल के नुकसान के लिए 269.77 करोड़ रुपए की, रबी फसल के लिए 114.44 करोड़ रुपए किसानों को दिए। और इस दौरान पिछले चार साल की अगर बात करें तो 1,150.26 करोड़ रुपए किसानों को देने का कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, सरकार हमेशा किसानों के हित की रक्षा करने के लिए करना अपनी जिम्मेवारी सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथा समय मुआवजा दिया जाता है। सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शॉर्ट सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, शीतलहर, पाला, लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तशिल्प हस्तधारण नुकसान, आवास के लिए पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान के लिए भी राज्य आपदा प्रदान कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है। बाढ़, जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी भरी, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाली फसलों के नुकसान के लिए राज्य सरकार की ओर से मुआवजों के मापदंड सरकार के मापदंडों की तुलना में अधिक है। 33% या अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान 5 एकड़ की सीमा के अधीन भारत सरकार 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि 6,883 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार 75% अगर फसल को नुकसान होता है तो 15,000 रुपये, 75 और 50 के बीच में अगर नुकसान होता है तो 12,000 रुपये और 25 और 50 के बीच में परसेंट में नुकसान होता है तो 9,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करें।